वो भी क्या दिन थे। ट्रेन से सफर करना होता था तो बुकिंग करने की प्रक्रिया या प्रोसेस कितना इनकन्वीनियंट था, कितनी परेशानी होती थी। टिकट लेनी होती थी तो पहले समय निकालकर स्टेशन पर जाओ, फिर धूप, बारिश या सर्दी में लाइन में खड़े होकर रिजर्वेशन करवाओ। टिकट कभी कंफर्म्ड मिलती थी, कभी नहीं। कभी रिजर्वेशन पक्का मिलता था और कभी वेट लिस्ट का नंबर। और फिर इंक्वायरी करते रहो कि कब टिकट की रिजर्वेशन पक्की होगी। इस झंझट से बचना होता था तो एजेंट से बुकिंग करवानी पड़ती थी और एजेंट को हर टिकट की फीस देनी पड़ती थी। उफ, कितना समय जाता था और परेशानी वो अलग। लेकिन अब आप घर या ऑफिस से ही अपने कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल से ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। ना स्टेशन जाने की जरूरत और ना भीड़ में धक्का मुक्की, ना ही एजेंट की फीस का खर्चा। आइए सीख लेते हैं कि भारतीय रेल या IRCTC की वेबसाइट पर एक नया खाता कैसे खोलते हैं। सबसे पहले ब्राउजर में ऊपर टाइप कीजिए irctc.co.in। ये इंडियन रेलवेज या भारतीय रेल की वेबसाइट खुल गई। जब आप पहली बार यहाँ पर आते हैं तो आपको एक नया खाता खोलना पड़ता है। अगर आपके पास पहले से एक खाता है तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालकर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सिखा देती हूँ। यहाँ देखिए साइन अप है, साइन अप पर क्लिक किया और अब एक नया पेज खुल गया। यहाँ पर एक फॉर्म है, आपको इस फॉर्म को भरना है। चलिए इस फॉर्म को भर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डालते हैं यूजर नेम, कोई यूजर नेम चुन लेते हैं और अब ये चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके देख लेते हैं कि ये यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं। नहीं, ये यूजर पहले से रजिस्टर्ड है और IRCTC हमें एक दूसरा यूजर नेम चुनने को बोल रहा है। तो चलिए कुछ और यहाँ पर डाल देती हूँ और फिर से चेक कर लेती हूँ कि ये अवेलेबल है। हाँ, ये यूजर नेम अवेलेबल है। चलिए नीचे जाते हैं और अब ये है सिक्योरिटी क्वेश्चन। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन या सुरक्षा का सवाल पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चुन लेते हैं। ऑल टाइम फेवरेट स्पोर्ट्स टीम, क्लिक किया, आंसर में लिख देती हूँ इंडियन क्रिकेट टीम। अब फर्स्ट नेम, फिलहाल मैं अपने हस्बैंड के लिए एक नया अकाउंट खोल रही हूँ तो चलिए उनका नाम लिख देती हूँ विकास। फिर आया लास्ट नेम, लास्ट नेम में लिख देती हूँ कुमार। फिर आए जेंडर पर, यहाँ देखिए जेंडर है मेल, मैरिटल स्टेटस है मैरिड। आप डाल देते हैं डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म की तिथि, तो यहाँ पर मैं जन्म की तिथि डाल देती हूँ। फिर आया ऑक्यूपेशन या व्यवसाय, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं प्राइवेट। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ आपको लाल रंग का एस्ट्रिक्स दिख रहा है वो फील्ड मैंडेटरी फील्ड है। ये जो फील्ड है ये कंपल्सरी नहीं है तो हम इसे खाली छोड़ देते हैं। फिर आए ईमेल एड्रेस पर, तो चलिए यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देती हूँ। ये मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दिया और फिर वो हमसे एक मोबाइल नंबर मांग रहा है। यहाँ देखिए 91 जो है वो इंडिया का कंट्री कोड है। अगर आप किसी और देश में होंगे तो आप यहाँ पर अपना इंटरनेशनल मोबाइल नंबर नहीं डाल पाएंगे, इसलिए ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है फिलहाल ये इंडियन मोबाइल नंबर्स पर ही काम करती है। चलिए अपना इंडिया का जो मोबाइल नंबर है उसे मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। ये मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। फिर नेशनैलिटी को हम चुन लेते हैं, यहाँ गए और हमने इंडिया चुन लिया। फिर आए रेजिडेंशियल एड्रेस पर यानी कि आपका पता।
तो आप यहाँ पर अपने घर का पता डाल दीजिए और फिर कंट्री यहाँ नीचे क्लिक किया, हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है और फिर आप यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दीजिए और उसने अपने आप स्टेट सिलेक्ट कर लिया है। फिर आए सिटी पर, सिटी में आए न्यू दिल्ली और फिर है फोन। आप यहाँ पर अपने घर का नंबर डाल सकते हैं। चलिए नीचे गए, अब है अदर सर्विसेज। अब ये जो है आपसे सब्सक्रिप्शन की परमिशंस मांग रहे हैं कि क्या आपको IRCTC के न्यूज़लेटर्स चाहिए, तो हम नो पर क्लिक कर देते हैं। कमर्शियल प्रमोशंस नो। और ये है IRCTC SBI का कार्ड, क्या आप चाहते हैं कि आपको फोन द्वारा वो इसके बारे में जानकारी दें, तो ये मैंने नो सिलेक्ट किया हुआ है। और फिर ये नीचे है एक वेरिफिकेशन कोड, इस वेरिफिकेशन कोड को आपको ये नीचे वाले डब्बे में डालना है। ध्यान रहे ये केस सेंसिटिव है, यानी कि कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को आपको ध्यान से टाइप करना है। अगर आपको ये इमेज या ये फोटो ठीक से नहीं दिख रही तो आप इस नीले रंग के एरो पर क्लिक करके एक नई इमेज भी यहाँ पर पा सकते हैं और फिर आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया। ये नीले रंग के सबमिट के बटन पर क्लिक किया, ये एक पॉपअप आ गया है और वो आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर आपने ये जो 3 प्रेफरेंसेस चूज करी हैं, आप चाहें तो आप इन्हें बदल सकते हैं, लेकिन हम इसे वैसे का वैसे रखना चाहते हैं तो हम ओके के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए अब एक और पॉपअप आ गया, वो बोल रहा है कि आपका ईमेल आईडी है ये और आपका मोबाइल नंबर है ये, और इस वक्त आपको इस ईमेल आईडी पर कोई जानकारी दी जाएगी, इसलिए अपना सही ईमेल एड्रेस और अपना सही मोबाइल नंबर डालिए। तो चलिए हम ओके के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए एक नया पेज आ गया और अब आपको इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस या इनकी जो शर्तें हैं वो एक्सेप्ट करनी होंगी। आप चाहें तो आप यहाँ पर इन सब पर क्लिक करके इन्हें डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग इन पर ध्यान नहीं देते। आपके पास समय हो तो आप इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक किया और ये देखिए वो बोल रहा है थैंक यू, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है और ये जो आपका यूजर आईडी है, आपका पासवर्ड और आपका एक्टिवेशन लिंक वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर और मोबाइल पर भेज दिया जाएगा और फिर उन दोनों की मदद से हम अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। अभी भी 2 कदम बाकी हैं। पहला है वेरिफिकेशन, तो चलिए अपने खाते को वेरीफाई कर लेते हैं। ये रहा मेरा ईमेल और यही ईमेल एड्रेस मैंने IRCTC की रजिस्ट्रेशन में दिया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे ये टिकट एडमिन से एक मेल आई हुई है और यहाँ लिखा है ईमेल फ्रॉम IRCTC। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए ये इस प्रकार से एक ईमेल आ गई है और यहाँ पर मुझे बोला जा रहा है कि ये है आपका यूजर आईडी और ये है आपका पासवर्ड। आपको एक मोबाइल वेरिफिकेशन कोड भी दिया जाएगा जो आपके मोबाइल में आपको भेजा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके और इस अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए अब एक नया पेज खुल गया, ये है मेरे मोबाइल का स्क्रीनशॉट और इस प्रकार से मुझे IRCTC से एक मैसेज आ गया है और वो मुझे बोल रहा है कि मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है, ये है मेरा यूजर आईडी और ये है मेरा वेरिफिकेशन कोड। तो अब इस मोबाइल वेरिफिकेशन कोड को हम अपने PC में डाल लेते हैं। ये देखिए ये स्क्रीन है, यहाँ पर मोबाइल वेरिफिकेशन कोड मांगा जा रहा है तो हम इसे यहाँ पर टाइप कर देते हैं। ये मैंने टाइप कर लिया मैसेज और अब सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए अब एक नया पेज खुल गया, अब आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है।
क्योंकि आपने ईमेल द्वारा जो लिंक आया था उस पर क्लिक करके अपना मोबाइल वेरिफिकेशन कोड सही सही इनपुट कर लिया। ये देखिए, ये रहा हमारा यूजर आईडी और ये जो पासवर्ड है ये अपने आप IRCTC ने जेनरेट किया था। तो हम अपने अकाउंट में जाकर अपना पासवर्ड इस समय बदल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर गए और अपडेट प्रोफाइल में यहाँ पर चेंज पासवर्ड है, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर अपना पासवर्ड हम डाल देते हैं। यहाँ देखिए, आपको अपना एग्जिस्टिंग पासवर्ड जो अभी पासवर्ड है वो पहले डालना है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और फिर वेबसाइट में गए, यहाँ पर अपना एग्जिस्टिंग पासवर्ड पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, और गो के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये रहा चेंज पासवर्ड, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए आप अपना पुराना पासवर्ड डाल दीजिए। ये रहा हमारा पुराना पासवर्ड और अब एक नया पासवर्ड हम चुन लेते हैं। पासवर्ड ऐसा चुनिए जो आपके लिए याद रखने में आसान हो लेकिन किसी दूसरे के लिए अनुमान लगाना या गेस करना मुश्किल हो। और सिक्योरिटी के हिसाब से आपको नंबर्स और कैरेक्टर्स का मिक्सचर यूज़ करना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर हम एक नया पासवर्ड चुन लेते हैं। ये हमने नया पासवर्ड डाला और उसको हमने दोबारा से नीचे टाइप कर दिया और बस अब सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब वो बोल रहा है वेटिंग फॉर services.irctc.co.in। एक बात आपको यहाँ पे बतानी ज़रूरी है कि IRCTC इंडिया की बहुत ज़्यादा हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम वाली वेबसाइट है, इसलिए अगर एक ही समय पर बहुत सारे लोग यहाँ पर बुकिंग कर रहे होते हैं तो कभी कभी साइट स्लो हो जाती है, खासकर उन समय जब तत्काल खुलता है या जैसे कि हाई ट्रैफिक के टाइम्स, तो इस समय लगता है साइट काफ़ी स्लो है। चलिए थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं और ये देखिए, ये बोल रहा है कि आपका पासवर्ड जो है वो बदल दिया गया है। तो पहली बार जब आपका अकाउंट बनता है उसके बाद जब आप लॉगिन करते हैं आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका पासवर्ड बदल गया है। आप चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं। अब आपका खाता तैयार है, आप चाहें तो आप टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन इस विषय को मैं अगले वीडियो में विस्तार से डिटेल में बताऊंगी। तब तक जाइए और अपना नया खाता खोल लीजिए, देर किस बात की है। अब आपने सीख लिया है कि भारतीय रेल या IRCTC की वेबसाइट पर नया अकाउंट कैसे बनाते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।